लोकसभा की कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई। हंगामे के चलते संसद के शीत सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र से पहले पीएम मोदी ने नसीहत दी थी, सकारात्मक और अच्छी बहस की उम्मीद जताई थी उन्होंने। संसद में सकारात्मक बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा था। सत्र शुरू होने से ठीक पहले हर मुद्दे पर सरकार बहस को तैयार है। दूरगामी प्रभाव वाले बिल संसद में आएंगे, लेकिन संसद जब कार्यवाही शुरू हुई संसद के भीतर, तब विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही 18 दिसंबर तक स्थगित करनी पड़ी है। तो बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, संसद के शीत सत्र की कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। शीत सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने कहा था कि सरकार हर चीज पर सार्थक बहस को तैयार है। दूरगामी प्रभाव वाले बिल आने हैं, इसलिए एक अच्छी और स्वस्थ बहस की उम्मीद की जाती है। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, श्रद्धांजलि देने के बाद की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 18 दिसंबर तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर बता दें आपको, संसद में सकारात्मक बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने पहले शीत सत्र शुरू होने से पहले कहा था, लेकिन फौरन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई अंदर इतना हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है 18 दिसंबर तक। कि देश को आगे बढ़ाने की दिशा में इस सदन के सत्र का उपयोग सकारात्मक रूप से हो, मैं भी आशा करता हूं कि सकारात्मक रूप से सदन का सत्र चलेगा, देश लाभान्वित होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में एक नया विश्वास पैदा होगा। जी हां, तो बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, लोकसभा की कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई है। हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री ने शीत सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले उम्मीद जताई थी सकारात्मक और अच्छी बहस की, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे थे, पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर जता दिए थे कि ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। उसके पास कई मुद्दे थे जिस पर वो सरकार को घेरने वाला था, और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, पहले दिन की कार्यवाही में ही विपक्ष ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद इतना शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ कि कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। हंगामे के चलते संसद के शीत सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री के नसीहत को भी विपक्ष ने नहीं माना। इससे पहले कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तब भी कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष का सहयोग मांगा गया था सरकार की तरफ से। एक प्रस्ताव रखा गया था सरकार की तरफ से कि जो भी सदन के नियमानुकूल बहस के लिए विपक्ष की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस पर सरकार बहस को तैयार होगी। सकारात्मक और अच्छी बहस के लिए प्रधानमंत्री ने भी उम्मीद जताई थी और विपक्ष से सहयोग मांगा था, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इतना हंगामा किया, जिसकी वजह से 18 दिसंबर तक कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी संतोष पाठक का। संतोष, इसके आसार तो पहले से नजर आ रहे थे। विपक्ष हंगामा करने वाला था, पहले ही गुलाम नबी आजाद ने बता दिया था, जो तेवर थे विपक्ष के आसार पहले से नजर आ रहे थे कि शीत सत्र हंगामेदार रहेगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और जिस तरह के आसार, जिस तरह की लगातार बात हम कह रहे थे, वही राज्यसभा के पटल पर भी देखने को मिला है। जी अनुभव, तो क्या अब ये माना जाए कि विपक्ष के संगामिक बाद विपक्ष का ये तेवर, जब 18 तारीख से कार्यवाही दोबारा शुरू होनी है, तब भी इसी तरह के तेवर दिखेंगे विपक्ष की ओर से? बिल्कुल निश्चित तौर पर तेवर इसी तरह के बने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष चाहता है पीएम माफी मांगे, और सत्ता पक्ष साफ कह चुका है कि पीएम किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, यानी हंगामेदार सत्र होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी, 25 विधेयक रखे जाने थे, 14 नए हैं, जिसमें ट्रिपल तलाक को लेकर भी एक बिल आना था। तो विपक्ष के हंगामे की वजह से आपको लगता नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचेगी और आखिर में इसका सारा ठीकरा विपक्ष पर ही आएगा?
संतोष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर आपको बता दें कि कार्यवाही 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बयान दिया गया था उसको लेकर विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और उसके बाद ये कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है हंगामे की वजह से।